की जा रही थी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। साहिल जो कि अपना फोन स्विच ऑफ कर चुका था, उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। जो साहिल के साथ के भी लोग हैं, क्योंकि एक सीसीटीवी में उसका दोस्त भी नजर आया, उससे भी पूछताछ की गई थी, उससे भी जानकारी जुटाई गई थी। अब ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लग गई है, लेकिन अभी भी सवाल बरकरार है कि आखिर साहिल के सर पे खून ऐसे ऐसे क्यों सवार हुआ। दीपक मेरे सहयोगी वहां पर है, वो लोगों से बात करेंगे। दीपक का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। बहुत बड़ी सफलता भी पुलिस के लिए कहेंगे, क्योंकि पुलिस पर भी सवाल था। जिस साहिल ने, जिस जल्लाद ने निर्मम तरीके से उस 16 साल की लड़की को मौत के घाट उतारा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार चाकू से वार किया। और जब उसे तसल्ली हुई इस बात की कि चाकू से वार करने के बाद, पत्थर से वार करने के बाद, लात मारने के बाद, जब वो लड़की मर चुकी है, उसका वजूद वो मिटा देना चाहता था, आखिरकार उस साहिल को गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।